बहुजनों की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। राम मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण बनेगा। हमारा प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, वो सबका विश्वास कहता है लेकिन सबके साथ विश्वासघात करता है। इसके लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसके लिए अमित शाह जी मोदी जी को रिजिग्नेशन देना सही है। उसका बस में नहीं है तो हमको जिम्मेदारी दे दो। 48 आवर में हम मणिपुर कंपल करेंगे। व्हाट इज आइडिया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनको अब भी मुद्दा चाहिए, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है फिर भी मुद्दा चाहिए। भारत एक तरफ होगा, अरसद दूसरी तरफ होगा। जनता का तो बंटाढार कर दिया मोदी ने। रेल बिक गई, तेल बिक गया हवाई अड्डा, क्या बचा है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ मौजूद हैं मणिपुर के लोकसभा सांसद। उनसे हम बात करते हैं जिस तरीके से मणिपुर में जो हालात हुए हैं बने हुए हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? पूरा हमको बोलना है, इसके लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसके लिए अमित शाह जी मोदी जी को रिजिग्नेशन देना सही है और हालत बदलने की है। जितना सारा MPs है, MLAs है या पार्टीज है, सोशल सोसाइटी है, सबको वहाँ जाना सही है, जाने को अलाउ करना सही है और अभी इसी समय हम मणिपुर वासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार माने जाते हैं, ज्यादा काम कर 2400 घंटा काम करते हैं। ये डबल ट्रिपल इंजन का सरकार काम नहीं होगा। अगर मैंने बोला उसका बस में नहीं है तो हमको जिम्मेदारी दे दो। 48 आवर में हम मणिपुर कंट्रोल करेंगे, ठीक है? हित में जो निर्णय होगा वही हम करेंगे। हमारे देश में जो अभी अत्याचार हो रहे हैं महिला पे, ये मोदी जो है लाल किला से जो देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन अभी मणिपुर का जो मामला है बड़े अफसोस की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। वो सबका विश्वास कहता है लेकिन सबके साथ विश्वासघात करता है। फिर भी लोग कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। नहीं, लोग नहीं कहते, सिर्फ मनुवादी कहते हैं, 15% कहते हैं बस, अब लोग नहीं कहते। राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, देश की सुरक्षा, रोजगार, आर्थिक लूटपाट रोकना, भ्रष्टाचार उन्मूलन, कानून का राज, मॉब लिंचिंग रोकना, दलित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकना, अत्याचारियों को जेल भेजना, इतने के बाद भी जनता कह रही आएगा मोदी ही? जनता नहीं कह रही है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कह रही है, जिनके हाथ में मीडिया हाउसेस बड़े बड़े हैं। विपक्ष का जो नाम दिया गया इंडिया, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए, RSS इसमें बहुत शातिर है, शब्दावली करने में RSS बहुत शातिर है, नए नए शब्दावली करती है, लेकिन इंडिया जो है वो आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हाट इज आइडिया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनको अब भी मुद्दा चाहिए, बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है फिर भी मुद्दा चाहिए। क्या लग रहा है जो मुसलमानों पर लिंचिंग हो रही है या फिर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो इसके लिए जो है जितने भी बहुजन है खड़े होंगे 2024 में? मोदी खड़े हो गए हैं, सिर्फ उनको संगठित होना है, चुनाव रिजल्ट देना है या फिर चुनाव करीब आएगा तो हर बार की तरह खड़े हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। बहुजनों की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये भावना जागृत हो गई। लेकिन जिस तरह से 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, अभी राम मंदिर का मामला आने वाला है और जो है बाबा रामदेव के बाद जो है अभी बाबा त्रिवेंद्र शास्त्री स्टार्ट प्रचारक के तौर पर देखे जा रहे हैं। राम मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण बनेगा। पुलवामा का कान खुल गया है, सतपाल मलिक ने खुद खोल दिया है। इनके सारे हथकंडे, सारे इनकी कुटिलताएं और कुकर्म जनता के सामने। भारत एक तरफ होगा, अरसद दूसरी तरफ होगा।
क्या भारत बनाम आरएसएस क्या यही लड़ाई होने जा रही है, भारत बनाम आरएसएस, आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस आइडिया ऑफ आरएसएस। वी आर विद आइडिया ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसे स्थापित किया। बहुजनों का जो अलग अलग पिछले दिनों चंद्रशेखर ने रैली की थी, अभी जो ये अलग प्रदर्शन, क्या इस तरीके से बहुजन बट नहीं गया है? नेताओं की अभिलाषा होती है, जनता की अभिलाषा नहीं होती। परिवर्तन जनता लाती है, नेता भी जनता की धारे में बह जाते हैं, बह जाएंगे सब। जनता जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र खुश है, मोदी से खुश है? जनता मोदी से बिल्कुल खुश नहीं है, जनता का तो बंटाधार कर दिया मोदी ने। हमारे नौजवान इंजीनियर ग्रेजुएट संपदा में काम कर रहे 15,000 में, रेल बिक गई, तेल बिक गया, हवाई अड्डा क्या बचा है, तो जनता खुश होगी। विकास हुआ है लेकिन देश का कहाँ हुआ है? हमारे टैक्स का पैसा विकास अंबानी अडानी का। आपको अंबानी अडानी से कुछ खासा नाराजगी रहती है हर बात में? देश के लुटेरे हैं, दो ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा लूटा है। लेकिन कभी देखेंगे रामनवमी ऐसा कुछ यात्रा निकलती है, उसमें जो हिंदू मुस्लिम छठ होता है, तो उसमें ज्यादातर जो है दलित समाज के ही लोग होते हैं। दलित समाज जाग रहा है, कुछ लोग नौजवान बहकावे आ रहे हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही है जो इनके हाथ में चंगुल में रहा करता था। अब आजाद है जनता, दलित नौजवान, मुस्लिम नौजवान, सारे नौजवान अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कौन बहकाता है दलितों को? कौन? आरएसएस का काम है बहकाना, आरएसएस इसी काम, यही कुटिलता आरएसएस की है। ये सुना आपने कैसे बहुजन जो है अब जागरूक हो रहा है, और आपने सुना मणिपुर के जो लोकसभा मेंबर थे उनकी भी बातें सुनी, मणिपुर को लेकर सुना, कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि जनता जो है वो परेशान है इस बीजेपी के और डबल इंजन की सरकार से। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।